हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑन प्लेनेटेबल सर्वे सॉल्व करने वाले हैं। नॉर्मली जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, गेट हो, आईईएस हो, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस हो, या तो फिर जूनियर इंजीनियर के जो कुछ भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो वेरियस डिपार्टमेंट्स कंडक्ट करते हैं, या तो फिर वेरियस पीएसयूज हो, वहाँ पर नॉर्मली जो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आस्क होते हैं उसके अंदर नॉर्मली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन गिवन होता है, नीचे चार ऑप्शंस गिवन होते हैं, हमें उन चार ऑप्शंस में से ए बी सी में से कोई तो भी एक ऑप्शंस चूज करना होता है। तो आज हम प्लेनेटेबल सर्वे से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस चूज़ किए हुए हैं वो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सिलेक्ट किए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हो कि हम हाई लेवल के और टफ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो गेट आईएएस में हैं वो भी कवर करें, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच एसेसरी ऑफ प्लेन टेबल इज यूज टू साइट एन ऑब्जेक्ट। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम जो कुछ भी यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, कि पहले हम को ये समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। जब तक हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ ना लें, उसको समझ ना लें, तब तक के हमें ऑप्शंस को नहीं देखना है। अगर हम पहले ही ऑप्शंस को देखेंगे क्वेश्चन को बगैर ठीक से समझे हुए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम ऑप्शंस को गलत चूज़ कर लें, जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एसेसरी ऑफ प्लेन टेबल इज़ यूज्ड टू साइट एन ऑब्जेक्ट। ऐसी कौन सी एसेसरी है प्लेन टेबल की जो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए। हमारा पहला ऑप्शन है यू फॉर्क। हमें पता है यू फॉर्क का यूज़ होता है सेंटरिंग करने के लिए, टेबल की सेंटरिंग करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ एलिडेड। हमें पता है एलिडेड की दो टाइप्स होती हैं, एक प्लेन एलिडेड है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेड है, और एलिडेड का जो मेन फंक्शन है वो है टू साइट दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बी रहने वाला है, फिर भी हम ऑप्शन सी और डी को ज़रूर देखेंगे। ऑप्शन सी है लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब का जो फंक्शन है वह है टू लेवल द टेबल, दैट इज़ टू मेक द टेबल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ पेग। पेग का हमें पता है कि जिसका एसेसरी में तो इंक्लूड होता ही नहीं है प्लेन टेबल की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इज़ बी। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग आर देयर। प्लेन टेबल सर्विंग में कितने मेथड्स हैं। ऑप्शन वन, ऑप्शन ए इज़ टू, फोर, वन एंड थ्री। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेन टेबल सर्वे में नॉर्मली चार मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। पहला मेथड है रेडिएशन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा है ट्रैवर्सिंग एंड फोर्थ वन इज़ रिसेक्शन। चारों मेथड्स हम सेपरेट सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट चार मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल हैं प्लेन टेबल के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज़ बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन टेबल सर्विंग इज अ डैश डैश मेथड। ऑप्शन ए इज ग्राफिकल मेथड, बी इज लीनियर एंड सी इज सर्कुलर एंड डी इज एंगुलर। हमें पता है कि प्लेन टेबल सर्वे इज अ फील्ड मेथड। हम इसको क्या करते हैं, फील्ड में इसको परफॉर्म करते हैं। हम जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम उसी वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस फील्ड में ही हमारे शीट्स पर ड्रॉ हो जाते हैं, इसीलिए प्लेन टेबल मेथड को ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा लीनियर मेथड। तो प्लेन टेबल में सिर्फ हम लाइंस ही ड्रॉ नहीं करते, वहाँ पर एंगल्स भी आते हैं, इसलिए हम लीनियर मेथड तो नहीं कहते। कोई सर्कल वगैरह कुछ नहीं करते, कोई एंगल वगैरह का कुछ रिलेशन नहीं है, इसीलिए प्लेन टेबल का हमारा ये जो क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्विंग इज अ ग्राफिकल मेथड। प्लेन टेबल हमारा ग्राफिकल मेथड है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्लेन टेबल इज मेड ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज मेटल, सेकंड इज रबर, थर्ड वन इज वुड एंड फोर्थ वन इज प्लास्टिक। हमें पता है कि प्लेन टेबल में हमने एक वीडियो भी बनाई है, सेकंड वन वीडियो, कि जिसमें हमने शो किया हुआ है कि प्लेन टेबल का जो टेबल है जिस पर रख के हमारा वर्क कैरी आउट होता है, हम शीट को फिक्स करते हैं, जहाँ पर नॉट डायरेक्शन बनाते हैं, वेरियस ऑपरेशंस हम प्लेन टेबल की करते हैं, तो वो जो टेबल है वो मटेरियल होता है उसका वुड। नॉर्मली हम सीजन वुड का यूज़ करते हैं। सीजन वुड इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, टेबल गिर जाता है, या तो फिर बारिश हो जाती है तो रेन वगैरह हो जाती है, तो सीजन वुड होने की वजह से उसका डिटेरियोरेशन नहीं होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी और हमारा जो प्लेन टेबल है उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो नॉर्मली जो प्लेन टेबल में जो टेबल होता है वो वुड का होता है, सीजन वुड का होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग अ प्लेन टेबल। ऐसा कौन सा एक्सेसरी है जो टेबल की लेवलिंग के लिए यूज़ होने वाला है। पहला है प्लम बॉब, प्लम बॉब सेंटरिंग के लिए यूज़ होता है। सेकंड इज स्प्रिट लेवल। थर्ड इज कंपास, कंपास से डिग्रीज नोट करने के लिए यूज़ होता है। एंड डी इज लास्ट ऑप्शन इज यू फॉर्क, यू फॉर्क भी सेंटरिंग के लिए यूज़ होता है। हमारा ऑप्शन इसमें से बनता है स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल मीन्स बबल ट्यूब और लेवल ट्यूब, जिसका वीडियो हमने एक बनाई है कि स्प्रिट लेवल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके कंपोनेंट पार्ट्स क्या हैं, उसको किस तरह से यूज़ करना है, टू डायरेक्शन में किस तरह से प्लेस करना है और टेबल की लेवलिंग को किस तरह से अचीव करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। देखो यहाँ पर गलती क्या होती है कि स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। नॉट एन एडवांटेज इज नथिंग बट डिसएडवांटेज, मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि फॉलोइंग में से प्लेन टेबल का डिसएडवांटेज क्या है। हमें प्लेन टेबल का डिसएडवांटेज ढूंढ कर निकालना है। ये पहले हमें ठीक से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम ऑप्शंस पढ़ना अगर शुरू कर दिए होते तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ऑप्शन गलत चूज हो चुका होता। तो हमें क्या भी ढूंढना है ऑप्शंस में से, डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। पहला ऑप्शन इज इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट वर्क, प्लेन टेबल सर्वे इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट वर्क। सेकंड इज लेस कॉस्टली। नेक्स्ट इज फील्ड बुक इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नेक्स्ट इज रैपिड मेथड। तो देखो हमें क्या ढूंढना है, डिसएडवांटेज। पहला ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट वर्क। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि प्लेन टेबल में हम जो कुछ भी ऑपरेशंस करते हैं उसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन है, जो कि हमें करना ही है, मस्ट है, वो है ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन प्लेन टेबल की परफेक्टली अचीव करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। हम इसको 100% एक्यूरेटली नहीं कर सकते। तो अगर हम ओरिएंटेशन 100% एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी 100% नहीं हो पाएगी, इसका मतलब हम 100% एक्यूरेट वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा यहीं पर तो सिग्निफाई हो जाता है कि प्लेन टेबल का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम वेरी एक्यूरेट वर्क नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए। दूसरे जो ऑप्शन है इट इज़ लेस कॉस्टली और फील्ड बुक इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड रैपिड मेथड, दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ द प्लेन टेबल। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वेज आर देयर टू ओरिएंट अ प्लेन टेबल। ऑप्शन इज 1, 3, 2 एंड 4। ओरिएंटेशन से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में से आप उसको देख सकते हैं। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है, ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है प्लेन टेबल में, ओरिएंटेशन के मेथड्स नॉर्मली दो हैं हमारे पास अवेलेबल। एक है ओरिएंटेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सेकंड वन इज ओरिएंटेशन बाय यूजिंग बैक साइटिंग। तो दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन टेबल सर्वेइंग यूजेस द मेथोडोलॉजी ऑफ। फर्स्ट वन इज ट्रायंगुलेशन, सेकंड इज कंटूरिंग, नेक्स्ट वन इज रेंजिंग
एंड नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग। देखो क्वेश्चन है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेइंग यूजेस द मेथड ऑफ। प्लेन टेबल कौन सी मेथड के ऊपर काम करता है? पहला है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक्चुअली होता क्या है कि ट्रायंगुलेशन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, और ट्रायंगुलेशन मेथड में ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन के जरिए से हमारा सर्वे वर्क कैरी आउट होता है। प्लेन टेबल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा ट्रायंगल ही फॉर्म हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कंटूरिंग। कंटूरिंग का मीनिंग हमें पता है, कंटूर इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वल एलिवेशन, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ऐसे पॉइंट्स जिनका इक्वल एलिवेशन हो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं कंटूरिंग। तो प्लेन टेबल में भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम प्लेन टेबल को सिर्फ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर रन करें कि जो कि सेम एलिवेशन पे हो, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन इज रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पर से, एक स्टेशन पर से दूसरे स्टेशन को ऑब्जर्व करना, और दूसरे स्टेशन के रिलेटेड में कोई थर्ड स्टेशन को हम वहाँ पर स्टैब्लिश करना एक लाइन में, एक रेंज में। तो प्लेन टेबल में भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। एंड लास्ट वन ऑप्शन इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स एक लाइन्स होती है और उसका कुछ तो भी एंगल होता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स जो होती हैं, चार पांच लाइन्स का कॉम्बिनेशन होता है विद डिफरेंट एंगल्स, मे बी क्लोज्ड और मे बी ओपन, तो ये जो फॉर्मेशन होता है लाइन्स एंड एंगल्स का उसको कहते हैं हम ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स में भी हो सकता है ओपन एंड स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट अगर एक ही जगह पर मीट होते हैं तो उसको हम क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं, और स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट एक दूसरे से अगर मीट नहीं होते तो उसको हम ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। तो प्लेन टेबल हम दोनों ट्रैवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओपन ट्रैवर्स के लिए भी और क्लोज ट्रैवर्स से भी के लिए भी। तो इसलिए प्लेन टेबल सर्वेइंग यूजेस द मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फॉर्क इज यूज्ड फॉर डैश डैश इन द प्लेन टेबल। यू फॉर्क ये जो एसेसरी है वो प्लेन टेबल में किस फंक्शन के लिए यूज होती है? पहला है फोकसिंग के लिए, सेकंड सेंटरिंग, थर्ड वन इज ओरिएंटेशन एंड फोर्थ वन इज लेवलिंग। फोकस के लिए तो नहीं करते ऑब्वियसली, सेंटरिंग के लिए हम यू फॉर्क का यूज करते हैं। यू फॉक यूज़ करके हम जो कोई भी पॉइंट्स जो ग्राउंड पर हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं शीट पे, या शीट का पॉइंट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ग्राउंड पे, उसी को कहते हैं हम सेंटरिंग। तो यू फॉक यूज़ होता है सेंटरिंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए नहीं करते, लेवलिंग के लिए भी नहीं करते। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिएंटेशन ऑफ टेबल इज डन बाय। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक नीडल, नेक्स्ट इज बैक साइडिंग, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया ओरिएंटेशन, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। ओरिएंटेशन की दो मेथड्स हैं, ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल एंड ओरिएंटेशन बाय बैक सेटिंग। दोनों में दोनों ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट इज कॉल्ड एज। फर्स्ट वन इज फिड्यूशियल एज, नाइफ एज, ब्रॉड एज, स्मॉल एज। एलिडेड दो टाइप्स की होती हैं। एलिडेड का जो फंक्शन है वो है टू साइट द ऑब्जेक्ट। दो टाइप की एलिडेड हैं, एक है टेलीस्कोपिक एलिडेड, दूसरी है प्लेन एलिडेड। टेलीस्कोपिक एलिडेड नॉर्मली हम हिली रीजन्स में यूज़ करते हैं, प्लेन एलिडेड हम प्लेन एरियाज में हम यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अप साइड डाउन साइड हो तो उस केस में टेलीस्कोपिक यूज़ करना पड़ेगा, और कभी नॉर्मल प्लेन रीजन है तो उस केस में हम प्लेन एलिडेड यूज़ करते हैं। तो दोनों एलिडेड में क्या होता है, एक वर्किंग एज होती है, एक दो एजेस होती हैं। एक एज ऐसी होती है जहाँ पर रूलर लगा हुआ होता है, मार्किंग होती है, और उन मार्किंग के रेफरेंस में हम ऑब्जेक्ट को साइट करने के बाद में रे ड्रॉ करते हैं। तो जो रे जिस साइड पर हम ड्रॉ करने वाले हैं उस एज को कहते हैं वर्किंग एज, और वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट इज कॉल्ड एज फिड्यूशियल एज, उस एज को कहते हैं फिड्यूशियल एज। बाकी के बी सी डी ऑप्शन का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉटिंग ऑफ इनएसेसिबल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन टेबल सर्वे इज डन बाय रेडिएशन मेथड, इन ट्रैवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड एंड नन ऑफ दिस।
चार मेथड्स हैं हमारे प्लेन टेबल के, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग एंड रिसेक्शन। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि इनएसेसिबल हैं, जहाँ तक हम रीच नहीं कर सकते, उन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए प्लेन टेबल में हम नॉर्मली इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लेन टेबल सर्वे द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट, ऐसी कौन सी ऑपरेशन है जो प्लेन टेबल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन इज रिसेक्शन, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन एंड नेक्स्ट इज रेडिएशन। तो ऑब्वियसली हमें पता है, हमने वीडियो भी बनाई है, कि प्लेन टेबल में ऐसा ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि वो जो एक्यूरेट हो, वो ऑपरेशन है ओरिएंटेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लेन टेबल द नॉर्थ लाइन ऑफ द मैप इज मार्क्ड ऑन। अभी हम प्लेन टेबल सर्वे जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना होती है। नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के लिए हम जो एसेसरी प्लेन टेबल की यूज़ करते हैं वो है ट्रफ कंपास। और ट्रफ कंपास को यूज़ किस तरह से करना है उसकी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसे हम देख सकते हैं। ट्रफ कंपास को यूज़ करके हम नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करेंगे। अब मार्क करने के लिए हमारे पास में शीट के फोर कॉर्नर्स अवेलेबल होते हैं, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो इन चारों कॉर्नर्स में से कौन से कॉर्नर पर हमें नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने चाहिए? हमारा ऑप्शन है राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा प्लेन टेबल सर्वे में या किसी भी टाइप का सर्वे हो, जो कुछ भी हम शीट ड्रॉ करते हैं, तो उसमें नॉर्मली हम राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज, फर्स्ट वन इज पैरेललिज्म, नेक्स्ट इज ट्रायंगुलेशन, नेक्स्ट वन इज ट्रैवर्सिंग एंड नेक्स्ट वन इज सेंटरिंग। हमें पता है, हमने फर्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर प्रिपेयर की है, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज पैरेललिज्म, दैट इज जो कुछ भी हम रेज एक स्टेशन पर ड्रॉ करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के बाद में पहले स्टेशन से जो रे ड्रॉ की है वो नेक्स्ट स्टेशन पे सेम कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, सेम पैरेलल कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं पैरेललिज्म। और इसी को अचीव करने के लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं। देयरफॉर हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ सर्वे इन विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क, ऐसा सर्वे वर्क जिसमें हमें मिनिमम ऑफिस वर्क करना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन वन इज, ऑप्शन इज थेडोलाइट, सेकंड इज टेक्योमेट्री, नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड लास्ट वन इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। हमें पता है कि हम जो कुछ भी सर्वे करें, टेक्योमेट्रिक सर्वे करें, थेडोलाइट सर्वे करें, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे करें, कुछ भी सर्वे वर्क कैरी आउट करें, तो सबसे खास बात क्या होती है कि हमारा सर्वे वर्क हम फील्ड में करते हैं और फिर उसके बाद में ऑफिस में आने के बाद में, घर के आने के बाद में उसके ऊपर हम वर्क करते हैं और उसके बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। बट प्लेन टेबल सर्वेइंग का मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है कि हम जो कुछ भी सर्वे वर्क फील्ड में कैरी आउट करने वाले हैं, वहीं पर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट वर्क हो जाने वाला है। हमें ऑफिस वर्क कुछ नहीं करने पड़ने वाला या मिनिमम करने पड़ने वाला है, बहुत ही मिनिमम ऑफिस वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज प्लेन टेबल सर्वे। तो ये था हमारा आज का, कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हुए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के आपको मोर एजुकेशनल वीडियोस मिले, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।